खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। ये गाइडेड मेडिटेशन करना बहुत आसान है क्योंकि हम विचारों पर ध्यान नहीं देते। इस गाइडेड मेडिटेशन में दिल और दिमाग के बीच में कोहेरेंस यानी सामंजस्य पैदा करने के लिए हम अपने हृदय में भावनाओं के द्वारा 0.1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स पैदा करते हैं। ऐसा करने से दिमाग के साथ पूरा शरीर उच्च स्तर पर काम करता है, नेगेटिव विचारों की साइकिल टूटती है, गहरी शांति महसूस होती है और फ्लो स्टेट में जाना आसान होता है। इस मेडिटेशन को हम 3 स्टेप्स में करते हैं। कृपया ईयरफोन्स का प्रयोग कीजिए, किसी शांत जगह रिलैक्स होकर बैठ जाइए। सबसे पहले हम 4 सेकंड इनहेल और 6 सेकंड एक्सहेल करेंगे। सांस अंदर 1, सांस बाहर 2, सांस अंदर 3, बाहर 4। सांस को नाक से बाहर निकलता हुआ महसूस कीजिए। सांस अंदर 5, सांस को नाक से अंदर आता हुआ, गले को छूता हुआ और सीने में समाता हुआ महसूस कीजिए। बाहर 6, अंदर 7, बाहर 8। आप महसूस कर रहे हैं कि बिना किसी कोशिश के आपको शांति महसूस हो रही है। ये शांति हमेशा विचारों के पीछे बनी रहती है। इस शांति को मन के वाइब्रेशंस विचारों के स्पंदन छू नहीं पा रहे। इस शांति में आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हो। अब धीरे से बड़ी सहजता से अपना हाथ उठाकर सीने पर रखिए और सीने की खाल पर हाथ की छुअन को महसूस कीजिए। खाल के नीचे ब्लड सर्कुलेशन महसूस कीजिए। अब सीने और इसकी मांसपेशियों को गहराई तक रिलैक्स होने दीजिए। अब देखिए जो सब आपको महसूस हो रहा है वो सब कुछ आप हृदय से देख रहे हैं। आपकी अवेयरनेस हृदय पर आ चुकी है। महसूस कीजिए कि आप हृदय से ही सांस ले रहे हैं। सांस अंदर 1, सांस अंदर आते हुए सीने में महसूस हो रही है। सांस बाहर 2, सीना एकदम रिलैक्स हो चुका है। सांस अंदर 3, आप सब कुछ यहीं से महसूस कर रहे हो। बाहर 4। अब अपने हृदय में उगते हुए सूर्य का चित्र देखिए, जिसकी सुखद रोशनी आपके हृदय में फैल रही है। अनंत ब्रह्मांड को, परम शक्ति को, इस सुंदर प्रकृति के लिए धन्यवाद दीजिए। बारिश के लिए, ओस की बूंदों के लिए, प्रशांत पहाड़ों के लिए, उठती लहरों के लिए, फूल पत्तियों के लिए, अनंत ब्रह्मांड को, परम शक्ति को धन्यवाद दीजिए। परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, जो भी जीवन में अच्छा बुरा हो रहा है, सबके लिए अनंत ब्रह्मांड को, परम शक्ति को धन्यवाद दीजिए। महसूस कीजिए धन्यवाद की ये ऊर्जावान भावना हृदय से प्रकट होकर सर, गर्दन, कंधे और हाथों में फैल रही है। महसूस कीजिए ये ऊर्जावान भावना घुटने, पैरों और नाखूनों तक फैल रही है। मस्तिष्क का एक एक न्यूरॉन, शरीर का एक एक सेल इस शांत ऊर्जा से नहा रहा है। आप पूरे शरीर को शांत ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस समय आपका हृदय, दिमाग और पूरा शरीर एक फ्रीक्वेंसी पर है। इस समय आप धरती और इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक फ्रीक्वेंसी पर है। इस समय
कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। जो भी आप निश्चय करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार लेता है। अब हम इस कोहेरेंस का प्रयोग करेंगे। एक लक्ष्य के बारे में सोचिए, लक्ष्य को पूरा होते हुए देखिए। इस दृश्य में डूब जाइए, इसके साथ एक हो जाइए। कल्पना कीजिए कि आप चलते हुए इस दृश्य में मिल गए हैं। महसूस कीजिए कि आप लक्ष्य के साथ एक हो चुके हैं। जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, अब आप उसके साथ एक हैं। वो इसी पल यही मौजूद है। ये जानकर आपका हृदय ऊर्जा, हर्ष और धन्यवाद से भरा जा रहा है। जो आप पाना चाहते थे उस लक्ष्य के साथ आप पूरी तरह एक हैं। आप आनंद से भरे हुए हैं और ये आनंद की ऊर्जा शरीर से बाहर निकलकर पूरे कमरे में भर रही है, रेडिएट हो रही है। अपने आसपास इस ऊर्जा को फैलते हुए देखिए। ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। आप लक्ष्य को अपने अस्तित्व के साथ एक महसूस कर रहे हैं। आप हैं, लक्ष्य पूरा है, ये आप महसूस कर रहे हैं। सांस के साथ इन भावनाओं को गहराई से महसूस कीजिए। सांस अंदर एक। आप दिन में कई बार इन भावनाओं को महसूस करते हैं, बाहर दो, अंदर तीन। इन भावनाओं के साथ आपका मेंटल स्टेट बदल जाता है, चार। पांच। हर दिन आपके लिए लक्ष्य को पाना आसान होता जा रहा है। सांस बाहर, छह। इस ध्यान के बाद आपको अपने शरीर में हल्कापन और पर्सनैलिटी में अंतर महसूस होगा। एक रिलैक्सेशन और विश्वास महसूस होगा, क्योंकि जो आप पाना चाहते थे उसके साथ आप एक हो चुके हो और ये संदेश सबकॉन्शियस ने स्वीकार कर लिया है। गहरी सांस लीजिए और बाहर छोड़िए। धीरे धीरे करके आंखें खोलिए। थोड़ी देर शांति से बैठने का मन हो तो दो मिनट और बैठिए। अब आपका दिमाग फोकस करने के लिए, सबसे जरूरी काम करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के पीछे साइंस क्या है, ये क्यों काम करता है, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस पर अगला वीडियो देखिए और इस वीडियो को हर दिन अभ्यास कीजिए। जब आपका दिमाग और दिल एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है तो फ्लो स्टेट में जाना और बाकी सारी चीजें आसान हो जाती हैं। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।